लिवर कैंसर में दर्द होता है क्या, इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है, मैं कैंसर सर्जन हूँ और डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर मेरा स्पेशलिटी है। मेरे फील्ड में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की होगी। सो दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि लिवर कैंसर में दर्द होता है क्या। पूछने का सिंपल पर्पज़ ये रहता है कि अगर पेन होता है तो उससे हम कैंसर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन्स इन द बॉडी बोल सकते हैं। ये हमारे पेट के राइट साइड के ऊपरी हिस्से में बैठा है, स्टमक के बाजू में। इसके ठीक ऊपर डायफ्राम रहता है जो लंग्स को लिवर से सेपरेट करता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे ऑर्गन्स हैं, लिवर में भी कोई भी पेन सेंसिटिव नर्व्स नहीं रहते, तो लिवर में जो भी हो उससे पेन टेक्निकली नहीं होता है। हालांकि जो लिवर का कवरिंग है, जो लिवर कैप्सूल है, उसमें पेन फाइबर्स रहते हैं। तो जब लिवर का कैप्सूल किसी तरह से अफेक्ट होता है या उसको कुछ ट्रॉमा होता है या वो खिंच जाता है, तभी जाके दर्द होता है। तो लिवर कैंसर में कब ये हो सकता है जहाँ पे लिवर का कैप्सूल खींचे और पेशेंट को दर्द महसूस हो? ये तभी हो सकता है जब ट्यूमर कैप्सूल के नज़दीक हो और तेज़ी से बढ़ रहा हो, तब जाके कैप्सूल स्ट्रेच होगा, तब पेशेंट को पेन महसूस होगा। दूसरा एक और मैकेनिज्म है जहाँ पे समझ लीजिए लिवर का जो कैंसर है, लिवर के आजू बाजू वाले लिम्फ नोड्स में फैला है और ये लिम्फ नोड्स यूजुअली जो लिवर का ब्लड वेसल्स है और उसके पित्त का नली है उसके इर्द गिर्द रहते हैं। और ये लिम्फ नोड जब बढ़ के पित्त की नली को ब्लॉक करते हैं, तभी भी ये लिवर सूज सकता है, उसका कैप्सूल स्ट्रेच हो सकता है, तब ये दर्द उठ सकता है। ये जो दर्द रहेगा लिवर का, यूजुअली हम इसको डल एकिंग बोलते हैं। डल एकिंग मतलब इसमें पेशेंट को हम पूछते हैं तो एग्जैक्टली एक जगह पे वो पॉइंट करके नहीं बता पाता है कि दर्द कहाँ पे है, हल्का सा इधर है या इस जगह पे है करके ब्रॉडली बता पाता है। थोड़े पेशेंट्स में राइट शोल्डर टिप पे भी दर्द उठ सकता है। सो ये बहुत ही डल एकिंग टाइप्स रहता है और जो राइट शोल्डर टिप पे जो दर्द उठता है इसको हम रेफर्ड पेन बोलते हैं, बिकॉज ये एरिया और लिवर दोनों सिमिलर नर्व सप्लाई से जुड़े हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम लिवर कैंसर और पेन के बारे में बात करते हैं, जो आता है जब लिवर कैंसर सब जगह फैला है। लिवर कैंसर जब फैलता है तो यूजुअली ये लंग्स में फैलता है और हड्डियों में फैलता है। जब हड्डियों में फैलता है, सो सिमिलर टू डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स, हड्डी के अंदरूनी हिस्से पे पेन फाइबर्स नहीं रहते हैं, बट जब ये फूलने लगता है, जो बीमारी उधर जाके बैठा है और फूलता है, जो हड्डी को स्ट्रेच करता है, तब हड्डी में भी पेन उठ सकता है। और जब भी कोई भी कैंसर हड्डी तक फैलता है, हड्डी को वीक करता है और वो हड्डी फ्रैक्चर हो सकता है। तो जब फ्रैक्चर होगा तो ऑटोमेटिकली आपको भी पता है कि दर्द उठना ही उठना है। और जब लंग्स की हम बात करेंगे, जब सिमिलर टू लिवर और बोन्स, लंग में भी जब बीमारी बहुत बड़ा बनता है तो हो सकता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो, खांसी में ब्लड निकले, खास खास के तब उधर छाती में पेन हो सकता है। जब लंग बहुत ज़्यादा खिंच जाता है और लंग की ऊपरी सतह तक जब बीमारी फैलता है तो उधर पेन सेंसिटिव फाइबर्स रहते हैं लीवर की तरह, तो जब छाती में भी दर्द उठ सकता है। सो ये थोड़े बहुत सिनेरियोस थे जहाँ पे लीवर कैंसर में दर्द हो सकता है। ये जानना ज़रूरी है कि अर्ली स्टेज लीवर कैंसर में दर्द नहीं होता है, ज़्यादा सिम्टम्स नहीं रहते हैं, तो इसको पकड़ने के लिए इमेजिंग लगता है, जैसे कि सोनोग्राफी है या सीटी स्कैन है, एमआरआई है। इसको सिर्फ दर्द के हिसाब से लीवर कैंसर को डायग्नोस करना आसान नहीं रहता है। तो जब दर्द उठता है लीवर कैंसर का, हालांकि अर्ली स्टेज में है तो हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, जब इवन टर्मिनल स्टेज, जब लंग में फैला है या हड्डी में फैला है, तभी भी अच्छा खासा पेन रिलीफ पेशेंट को देना बहुत ज़रूरी है ताकि इनसे उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो। सो ये था दोस्तों लीवर कैंसर में दर्द होता है के टॉपिक के ऊपर। इस ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल है तो हमें लिख के बताइए या कमेंट्स में डालिए, हम डेफिनेटली इसका आंसर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।